नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, हैप्पी गुड़ी पड़वा। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि 21 दिन का भारत बंद यानी कि लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन हो चुका है, जहां पर कि जनता से उम्मीदें हैं सरकार को कि जनता अपने घर में ही रहे। और जनता, जैसे कि जनता कर्फ्यू में पूरी जनता ने प्रधानमंत्री का साथ दिया था कोरोना से जंग में, अब 21 दिन के लिए जनता को घर के अंदर रहना पड़ेगा। 21 दिन भारत बंद, कहना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में क्या लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा, एक बिग बॉस से भी बहुत बड़ा वाला टास्क है। बिग बॉस में तो बस छोटी मोटी टास्क होती हैं, ये रियल लाइफ का बिग बॉस चल रहा है, जहाँ पर कि बहुत बड़ी वाली टास्क है। 21 दिन सरकार कह रही है, और सरकार कई सारी बातें कह के भी नहीं कहती है। मैं 21 दिन नहीं, मैं तो पूरा अप्रैल का महीना मान करके चल रहा हूँ। ऐसे में पूरे महीने के लिए ऑब्वियसली लोगों के अंदर पैनिक होगा, राशन वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑल्दो सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी, जो कि आप देख पा रहे हैं, जरूरी वस्तुओं की सारी दुकानें, साग सब्जी दूध वगैरह पेट्रोल गैस वगैरह ये सब खुले रहेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलना आसान है। कल मोदी जी का जब वो देश के नाम संबोधन चल रहा था, उसी समय की कुछ ये वीडियो देखिए जरा आप। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किस कदर लोग निकल गए थे सामान खरीदने के लिए। और आज सुबह भी जब मैंने देखा, एक दो दुकानें खुली हैं और काफ़ी भारी तादाद में, मतलब 15-15, 20-20 लोग खड़े हैं सामान लेने के लिए, जो कि गलत है। एंड आज सुबह भी कई न्यूज़ आई हैं कि दादर में जो सब्जी मार्केट है वहाँ, या बोरीवली में भारी भीड़ उमड़ रही है, लोग सस्ते में सब्जियां खरीद रहे हैं, क्योंकि कालाबाजारी होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी। ऐसे में सरकार को बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, कुछ वो कर चुके हैं उन्होंने बगैर किसी प्लानिंग के। तो ये 21 दिनों की घरबंदी नहीं की है, नोटबंदी, अब ये घरबंदी हो चुकी है 21 दिन की। इसके पीछे काफ़ी सारा होमवर्क तो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये जो होमवर्क किया है, जनता तो साथ देगी, जनता को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऐसी ही कुछ बातें मैं करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो देखें, पूरा देखें, और अपने आसपास सारे दोस्तों को और ग्रुप्स वगैरह में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें करने वालों, जो कि हमारे मीडिया चैनल्स या सरकार उन बातों को नहीं कर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये लॉकडाउन क्यों भैया? आपको पता है हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग वेंटिलेटर की बात करते हैं कि वेंटिलेटर हमारी कंट्री में इतने नहीं आ रहे, हॉस्पिटल्स ही हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा नहीं है। अगर ये थर्ड स्टेज आ गई और कम्युनिटी में ये ट्रांसफर होने लगा इन्फेक्शन, तो आप समझ जाइए कम, मतलब कम क्या पड़ जाएंगे, मतलब 0.1% भी नहीं होगा। जितने बीमार हो जाएंगे उनके कंपैरिजन में 0.1% वेंटिलेटर या हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं होंगे हमारे पास। इसके लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक को घर के अंदर रखा जाए। इसके लिए सरकार ने कल काफ़ी सारे राहत दी हैं, जैसे कि आप किसी भी ATM से पैसा निकालो, आपका पैसा नहीं कटेगा। आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का कुछ जो कंडीशन होती थी वो नहीं होगी, ठीक है, अच्छी बात है। आपने इनकम टैक्स वगैरह फाइल करने की डेट 30 जून कर दी है, पैन आधार कार्ड लिंक करने की डेट आपने 30 जून कर दी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये काफ़ी अच्छी बातें हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास, अच्छी इनकम वालों के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है। लेकिन वॉट अबाउट ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, जिन्हें मतलब ही जिनके पास शायद पैन कार्ड ही नहीं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, गाड़ियाँ खींचते हैं, अब सब्जी वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जो लोग ठेले पर सब्जी ले लेके निकलते हैं, पुलिस तो डंडे मारेगी ना, क्योंकि वो जहाँ खड़े होंगे वहाँ भीड़ लग जाएगी। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके लिए क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार को अगर लोगों को घर के अंदर रखना है तो कुछ ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए? जैसे कि अभी केजरीवाल बोल रहे हैं, दिल्ली में काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। केजरीवाल को मैं कभी पसंद नहीं करता, लेकिन इस समय वो काम काफ़ी अच्छे कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरों को 5,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, प्लस अपील कर रहे हैं केजरी बाबू कि जो किराए पर रहते हैं लोग, उन किराएदारों से उनके मकान मालिक किराया हो सके तो पोस्टपोन कर दें, या एक दो महीने के बाद ले लें जब सिचुएशन अच्छी हो जाए। अभी सबके पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या कल निर्मला सीतारमण जी को ये अनाउंसमेंट नहीं करनी थी? ऐसे लोग जिन्होंने लोन ले रखे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियां वगैरह लोन पर उठा रखी हैं, जो EMI चुकाते हैं, क्या अब आप 15,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस करने वाली हो तो क्या आप ये चीज़ें अनाउंस नहीं कर सकती कि 30 जून तक
ये सारी ईएमआई वगैरह वेव ऑफ कर दें सारे बैंक, या फिर जितने भी जो गाड़ी वगैरह ली है जिनको लोन की किस्तें वगैरह चुकानी है उन्हें छूट दी जाए। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपकी ईएमआई नहीं आई है, प्लीज़ आप आओ हमारे ऑफिस में, कम स्टाफ है लेकिन ऑफिस खुला रहेगा, चाहिए तो आप ऑनलाइन पे कर दो लेकिन कर दो। स्कूलों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया फीस भर दो। अब एक बात बताइए, एक ऐसा आदमी जो रोज कमाता रोज खाता उसके पास कहाँ से अभी पैसा होगा, उसकी तो दुकान बंद है, पैसा आ नहीं रहा है। तो क्या कर निर्मला सीतारमण जी को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी क्या कि बैंक वगैरह जो है अभी कुछ महीने के लिए अपने लोन वगैरह की ईएमआई पोस्टपोन कर दें, आगे बढ़ा दें तारीखें, स्कूल वाले अभी प्रेशराइज ना करें, फीस वगैरह माफ़ कर दें, स्कूल तो वैसे ही बंद है ना, जब स्कूल बंद हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई काम धाम तो हो नहीं रहा होगा, तो फिर अभी फी वगैरह की क्या जरूरत है इस टाइम पर, जहां पर कि इंसानियत सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो बिजली कंपनियां जो बिजली के बिल वगैरह हैं, अब आदमी को घर में रखना है उसके लिए लाइट भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, मनोरंजन भी तो चाहिए, आदमी सिर्फ खाएगा सोएगा ये थोड़ी चलेगा, और भी तो चीजें होंगी कि नहीं। तो ऐसे समय में जबकि केजरीवाल ये अपील कर सकते हैं कि आप किराया मत लो अपने अपने किराएदारों से, क्या निर्मला सीतारमण जी ये चीज़ें नहीं बोल सकती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स ये नहीं बोल सकती कि भैया बिजली के बिल एक महीने के लिए माफ़ किए जाते हैं, या फिर तारीख बढ़ा दी जाती है, या फिर जैसे 30 जून तक आपने डेडलाइन इनकम टैक्स रिटर्न या TDS वगैरह या आधार पैन लिंक की है तो आप ये तारीख भी बढ़ा दो ना कि 30 जून तक किसी को बिल वगैरह कुछ नहीं आएगा, ना पानी बिल आएगा ना लाइट बिल आएगा। इकोनॉमी पर असर तो वैसे भी पड़ने वाला है, लेकिन गरीब आदमी जो आप चाहते हो कि घर में रहे तो भैया ये चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। वही टेलीकॉम कंपनीज या जो DTH कंपनीज हैं उनमें किसी में कुछ वो ही नहीं है इंसानियत कि भैया एक महीने के लिए आप रिचार्ज मत कराओ, आप देखो आपका डेटा प्लान एक्सपायर हो रहा है तो वो कंटिन्यू कर लो 30 जून तक। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार को अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखने चाहिए। अब ये चीज़ें मैं समाज के उस तबके के लिए बोल रहा हूँ जिसको कि आप चाहते हो कि वो घर के अंदर घुसा रहे 21 दिन तक, 21 दिन तक वो घर में आदमी रहे, इसके लिए उसको कुछ छूट वगैरह तो दो, बिजली के बिल का टेंशन तो नहीं रहे उसको। अब ये जो बातें मैंने की हैं ये समाज के उस तबके के लिए की हैं जिससे सरकार सबसे ज़्यादा उम्मीद करती है कि भैया तुम घर के बाहर मत निकलो। अब यूपी में तो योगी जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी है, आपको साग सब्जी कुछ लेना है बाहर मत आओ, आप फ़ोन कर दो, जो वहाँ पर 10,000 गाड़ियाँ उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखी हैं वहाँ पुलिस वगैरह घर पर आके डिलीवरी करेगी। सरकार को महाराष्ट्र सरकार या MP गुजरात या पूरे स्टेट साउथ में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। 21 दिन क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरा अप्रैल का महीना सबको घर में ही रहना पड़ेगा। ये नवरात्रि आज से स्टार्ट हुई है, गुड़ी पड़वा है, हिंदू नव वर्ष है, तो ये एक नई शुरुआत है, जनता को एक तरीके से घर में रखने का एक नया टास्क आपने दे दिया, लेकिन इस टास्क में जनता को सहूलियत हो ऐसी भी कुछ घोषणाएं होनी चाहिए थी जो कि हुई नहीं है। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से हो सकता है कि जो हम बहुत कह रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जनता पैनिक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक होने की नौबत आ भी सकती है। सो बेटर होगा कि कई सारी जो रिलीफ पैकेजेस के साथ कई सारी घोषणाएं और की जाएं ताकि गरीब आदमी को सहूलियत हो। प्लस एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो कि इस समय की सबसे बड़ी डिमांड है कि जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो नगर सेवक हो, चुनाव के टाइम पर तो सब पायजेब बांटते हैं, 500-500 रुपए बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, दारू बांटते हैं। इस समय उनको बोलो ना कि जाओ अपने अपने एरिया में और सब्जी बांटो, सब्जी खाने पीने का सामान। अब इंदौर में एक शंकर लालवानी जी हैं सांसद हैं इंदौर के, उन्होंने तो बाकायदा 2 नंबर इश्यू कर रखे हैं, जिसे खाने पीने की जरूरत हो वो नंबरों पर फोन करे, खाना आपके पास पहुंच जाएगा। तो उसी तर्ज पर देश के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जाएं अपने अपने क्षेत्र में और लोगों की मदद करें। चुनाव के टाइम पे तो बहुत चीजें फ्री में बांटते हो, अब बांटो ना गरीबों को दूध वगैरह, ब्रेड, शक्कर, आटा, चावल। ये एक ऑप्शन है, 21 दिन तक लोगों को घरों में रखने का एक ऑप्शन है। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, कि वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ये काम होना चाहिए। लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाहता, नेता लोग तो खुद घर के अंदर खुद को सैनिटाइज करके बैठ गए हैं। एक और बात जो मुझे सुनने में आई है कि गांव देहात में तो एक अलग ही टाइप का बिग बॉस चल रहा है भैया, वहां पर क्या है कि बस रात को घर के आंगन में दिया लगा दो, या फिर सारी औरतें जिनके बच्चे 15 साल से बड़े वो पीली साड़ी पहनेंगे या पीली चूड़ी पहनेंगे या पीली बिंदी लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे कीर्तन करेंगे। अरे भैया कोरोना, ये अरे भैया ये साइंटिफिक एरा है थोड़ा, इस तरह के दकियानूसी सोचों को दूर करो। इस तरह की बहुत सारी अपडेट आ रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि जहाँ पर कि 4-5 औरतें मिल करके चलती हैं नगर भ्रमण पे, कोई
कोरोना की इस लड़ाई में हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर रहें, बाहर नहीं निकले। लेकिन इस तरह की ये अंधविश्वास और इस तरह की फालतू पंती की बातें कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे जाएंगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमारे पास क्या, दुनिया में किसी भी मुल्क के पास अभी इसका कोई इलाज है नहीं। वहीं चाइना ने तैयारी कर रखी है कोरोना वायरस के बाद, उनका एक और नया वायरस रेडी है दुनिया पर हमला करने के लिए, लोगों को बीमार करने के लिए। ऐसे में जब कल मोदी जी ने बोला कि सबको घर में रहना है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी, ये आप माने या ना माने। और ये 21 दिन नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेंटली आप लोग पूरा अप्रैल 30 यहाँ तक कि मई का फर्स्ट वीक तक खुद को तैयार रखें मेंटली रूप से घर में रखने के लिए। तो भैया कमर कस के बैठ जाइए, 21 दिनों तक आपको घर के अंदर ही रहना है, कम से कम बाहर निकलिए, और फोकट में तो बिल्कुल मत निकलिए कि यार बोर हो गया जरा हवा खा के आता हूँ। हवा नहीं, पुलिस के डंडे खा के आएंगे आप, पुलिस भी एकदम अपने डंडों को तेल और सैनिटाइजर लगा लगा के रेडी कर लिया है। काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ चेक देना ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं कि रिचार्ज कराना है चलो बाहर चले जाओ ऑनलाइन रिचार्ज कर लो, या फिर मैं तो डिमांड करूंगा कि DTH मोबाइल प्रोवाइडर से कि 30 जून तक आप लोग अपने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके प्लान्स एक्सटेंड कर दो, उनकी सुविधाएं एक्सटेंड कर दो जनहित में। हर चीज़ बिजनेस नहीं होती, अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग चाइना के बिजनेसमैन की फोटो शेयर करते हैं कि वो देखो मास्क बांट रहा है, ये बांट रहा है, हमारे यहाँ भी तो लोग कर रहे हैं। अंबानी ने डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया है, जो एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियाँ उन सबको फ्री में पेट्रोल वगैरह दी जा रही है, महिंद्रा अडानी सब लोग अपने अपने लेवल पर वेंटिलेटर वगैरह बनाने की काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें उनको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ें मीडिया नहीं बता रहा है, कई लोग जो बाहर की दुनिया से इंडिया में आए हैं, बाहर की दुनिया मतलब इटली वगैरह से, पता है कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी तो लोग ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स या पैरासीटामोल के टेबलेट्स वगैरह ले करके अपना टेम्परेचर कम करके आए हैं, जिनमें ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं उनमें वो टेम्परेचर नहीं आया, तो लोग वहाँ से ये प्रोसेस को पूरा बाईपास करके आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके अंदर ये इन्फेक्शन है, और सरकार नहीं चाहती कि ये इन्फेक्शन बाकी आम जनता तक पहुंच पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी प्रोसेस को बाईपास करके आ चुके हैं आप हम सब के बीच में, इसीलिए ये इन्फेक्शन कम्युनिटी में ना पहुंचे, थर्ड स्टेज बहुत विकराल हो जाएगी, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए तमाम कंपनियों को भी चाहिए कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखने के लिए एनकरेज किया जाए, और जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, लोगों को राशन सामग्री बंटवाएं। चुनाव के टाइम तो बहुत बांट लेते हो फ्री की दारू, अब जरा फ्री का राशन भी बांट दो। ये है मेरा एक नज़रिया ये 21 दिन की लॉकडाउन के ऊपर। इस नोट पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, आपको बातें सही लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना, और कम से कम बाहर निकलना। वीडियो भले ही बहुत लोगों को शेयर करो पर खुद ज़्यादा बाहर मत निकलो, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए, जान है तो जहान का फंडा अपनाइए, पैनिक मत होइए कि दुकान खुली तो सब टूट पड़े, जी नहीं ऐसा मत कीजिए, दुकानें खुली रहेंगी, आप इत्मीनान से जाइए, जरूरी सामान ले आइए, इतना भी मत लाइए कि दूसरे इंसान को लेने के लिए यू नो कम पड़ जाए। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।